फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे हो गई है खांसी, वो भी बलगम वाली। तो रात को भी हल्की हल्की आ रही थी, अभी सुबह उठ के भी हल्की हल्की आ रही है, तो अभी मेरे घर एक घर आ रहे। दवाई भी साथ में मैं ले रही हूँ, पर सिर्फ खांसी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने मेरे लिए चाय बनाई थी, पर चिप ने बोला मत पियो चाय, तो ये चाय तो वह भाई जी आएंगे, भाई जी को दे दूँगी। और ये दूध गर्म हो रहा है, मैं मेरी कॉफ़ी पी लूँगी। मैं चाय इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे को है ना गला ख़राब है, मैंने कहा अदरक वाली और काली मिर्च वाली चाय बना के पी लूँ, पर बना बोला खीर बना है। और आवाज़ में भी कुछ चेंज लग ही रहा होगा आपको। और आजकल कब सिरप पीती हूँ इसलिए इतनी ज़्यादा लेट उठ पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। दो तीन दिन पहले ही ये मनी प्लांट को मैंने 2 से 3 में शिफ्ट किया है। और आज थोड़ी ठंड कम भी है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और जितना बोलने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा ज़्यादा उतनी खांसी ऐसा हो रहा है, पर वन क्या है। पर रात को मैं कब सिरप लेती हूँ, दिन को नहीं लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन फिर नींद में वैसा ही लगता है। और आज भी हमारी ब्राइडल की सर्विस है, कल भी ब्राइडल की सर्विस थी, इसलिए कल कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि मैं उसी काम में बिजी थी, ज्योति भी नहीं थी इसलिए। तो अभी तो मैं नहाना वगैरह बाकी है, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आवाज़ अभी उठी हूँ ऐसा लग रहा होगा, पर अभी नहीं उठी हूँ, टाइम हो गया है, पर गला थोड़ा सा बैठ गया इस वजह से ऐसा लग रहा है। रूम में थोड़ा सा सही कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर जल्दी से खाना बना दूँगी। कल जल्दी खाना बनाया था तो जॉब पर चली गई थी, आज भी जल्दी खाना बना के चली जाऊँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, आज मैंने लगाई है काजल क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा स्लिपरी दिख रही थी इसीलिए। तो कैसी लग रही है मुझ पर काजल, कमेंट करो। अलग दिख रही हूँ ना कुछ, काजल लगाने के बाद लुक ही पूरा चेंज हो जाता है। और पालक पनीर की मैंने तैयारी कर दी है, अब खाना बना देती हूँ। और 11:42 तो हो गई है, खाना तो लगभग बन गया है, सिर्फ पनीर आना बाकी है, तो पालक की सब्जी में पनीर डालना बाकी है। पालक तो कंप्लीट है, सिर्फ बस ऊपर पनीर कट करके डालना है। इधर आटा भी गूंद दिया है, चावल भिगा दिए हैं, और अभी दूध आया है तो दूध भी गर्म कर देती हूँ साथ ही साथ। चलो पनीर भी आ गया। हाँ हाँ भैया, तो आप पनीर नहीं लेके आए? खाना खा लिया है, अब चलते हैं शॉप पर। और कस्टमर भी आ गए, कॉल्स आ रहे। जब तक बाल नहीं धोगे तब तक रहेंगे, 1 महीने तक। अभी जस्ट क्लाइंट से फ्री हुई हूँ, आज 2 ब्राइडल्स की सर्विस थी, तो सुबह सुबह सर्विस ही चल रही थी जब से आई थी शॉप पर। जल्दी फ्री होके आने की कोशिश की, पर तो अभी 12:30 तो हो ही गई थी। और अभी मैंने ज्योति के साथ मंगवा रही हूँ बाहर से विक्स की गोलियाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, तो गले में वो जिंजर फ्लेवर की कोई गोली रहेगी तो सही रहेगा, तो अभी ज्योति लेने गई है। और अब मैं बाहर वाली शॉप पर जा रही हूँ क्योंकि आगे अभी अंदर कस्टमर नहीं है, सो इसीलिए। और काजल लगाई है तो आज मैं बहुत अलग दिख रही हूँ। और अभी क्या सीज़न स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी बिजी रहती हूँ, तो टाइम नहीं दे पाती हूँ। बिल्कुल अच्छा हुआ टाइम से पहले ये सैलून की सफ़ाई कर दी, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता, सफ़ाई भी नहीं हो पाती। और मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, तो आगे जाती हूँ एक बार चार्ज करती हूँ। और आगे 2-3 प्रोडक्ट्स और नए आए हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये आ गई है विक्स की गोलियाँ, और अभी खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो गले में सही हो जाएगा इससे। हम्सको के प्रोडक्ट्स आ गए हैं शॉप पर, इसके अंदर स्पेशली स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी ऑयल है। इसके बाद नेचुरल बेबी शैम्पू है, नेचुरल बेबी वॉश है, नेचुरल बेबी लोशन है। सेंट बॉटनिका के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि यहाँ पे ऊपर सारे जमाए हुए हैं। और ये द मॉम्सको के प्रोडक्ट्स हैं सारे, इसमें भी आपको बेबी केयर भी मिल जाएगा, फेस केयर भी मिल जाएगा, इसमें सारा हेयर केयर है और अलग अलग हेयर्स के लिए, ये कर्ल्स के लिए है, ये अल्टीमेट हेयर्स के लिए है, ये बायोटिन एंड कोलेजन वॉल्यूमनाइज हेयर्स के लिए है,
ये प्रो केराटिन शैम्पू है, बहुत सारे अलग अलग शैम्पू है, एक एक शैम्पू को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपके हेयर के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू बताएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपके हेयर की क्वालिटी क्या है और आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मैं आगे शॉप पर ही बैठी थी और आज सुबह मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाई थी, सिर्फ दो ही रोटी खा के आई थी, तो मुझे भूख लग रही थी। चिकू ने अभी मंगवाया पार्ले जी गोल्ड, तो पुरानी यादें ताज़ा की जा रही है, अब ये पार्ले जी गोल्ड खाए जाएंगे। और चिकू बोल रहे हैं मेरे को कि पानी में डुबा के खाओ, सही पानी में डुबा के खाऊं, पर मेरे पास डिस्पोजल नहीं है, जो चीजा स्टील वाला ग्लास लेके, ये ग्लास है, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब फर्स्ट बार मैं चेक करूंगी कैसे लगता है ऐसे बिस्किट पानी में डुबा के। मैं चिकू और हैप्पी भैया के कहने पे खा रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे भी अच्छा टेस्ट है, छह बिस्किट ले इस पानी में डाल, हट ऐसे सुगला लगेगा, हट ये सुगला लगेगा सही में, फिर चम्मच से खाओ, नहीं चम्मच से क्या, डायरेक्ट ग्लास से खा लो ना, स्मूदी बना के पी लो, हां दूध से इससे नहीं अच्छा लग रहा है, पेट जल्दी भरेगा इससे, सही में कह रहा हूं, यूं डाल के खा, अरे मेरे को नहीं ऐसा और कुछ थोड़ी खाना है मेरे को यार, अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ट्राई करो पार्ले जी बिस्किट के साथ, कुछ चीज़ें सिंपल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। न्यू प्रोडक्ट आए तो इसकी लिस्टिंग हो रही है, वहाँ पे हैप्पी भी साथ में बैठे हुए हैं, इनके भी ब्लॉग्स अब कंटिन्यू आने वाले हैं, देखो जाके घूमने जाने वाले, शादी के ब्लॉग तो चिपका के देखे हमारे अपने, अब घूमने जाने वाले ब्लॉग देखना इनके, कल से कंटिन्यू है क्या, मैं पीछे मेरे मेकअप स्टूडियो पर आ गई हूँ और बहुत टाइम से एक वैक्स मैंने मंगवा रखी थी और वो मेरे कुछ भी काम आ नहीं रही है सैलून में, क्योंकि इसको गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हम अभी मेल्ट कर दें शायद काम आ जाए, रोल ऑन वाली वैक्स है तो इसको मेल्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस चल ही रहा है, अब देखती हूँ अगर ये काम आएगी तो ठीक है यार, नहीं तो ये क्योंकि इतनी इसको लगभग हम आधे घंटे से गर्म कर रहे हैं और गर्म हुई नहीं है अभी तक प्रॉपरली, जो एकदम मेल्ट होती है ना वो चीज़ तो हुई नहीं है, बस यही इसके साथ प्रोसेस चल रहा है, अभी कस्टमर भी आने वाला है, फ़ोन करके पूछूँ यार वो कहाँ है, फिर और 6 बजे कोई आएगा। हमने सारी वैक्स मेल्ट कर करके मेरे ये पुराने हीटर के अंदर डाल दिए, अब ऐसे तो काम आएगी, इसमें तो कुछ आ नहीं रही थी, अभी भी इसमें थोड़ी सी है वो मेल्ट हो गई है, जो ये निकल दे, हो गई मेल्ट हो गई, हाथ गंदे होंगे पर निकाल दे, और ये वैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने अभी थोड़ी सी यहाँ पर की थी तो आपको हल्का सा फ़र्क दिख रहा होगा, ये जितना भी अलग पैच दिख रहा है ना हाथ पे उतनी जगह पे ट्राई किया मैंने, कहा ये वैक्स कभी काम आ ही नहीं रही थी, तो इसमें हमने इसको निकाला और इसका सही यूज़ कर दिया, अब ये वैक्स मेरे लिए मैं यूज़ करूँगी क्योंकि वैक्स बहुत अच्छी लगी मुझे, और ऐसे तो काम आ ही नहीं रही थी, पूरा एक वैक्स का हीटर भर गया इससे, और अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं, क्लाइंट्स थोड़े से डिले हो गए शायद, आज मुझे लेट तक काम करना पड़े, 5 बजे से लगी हुई थी और कस्टमर थे नॉन स्टॉप, तो अभी बज रही है 9 और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, अब जाऊँगी आगे शॉप पर, चिकू वेट कर रहे हैं मेरा और शॉप मंगल कर देती हूँ, सारा ऐसे ऐसे ही रख के जा रही हूँ, बस यही दो होंगे तो क्या, मेरा नंबर 800। घर पे आ गए, 9:30 हो गई है और भूख भी लग गई थी, तो मम्मी ने आज तो खाना बना के रखा था कि फुलगोभी मटर की सब्ज़ी, फुलगोभी आलू की सब्ज़ी, मटर नहीं है क्योंकि चिकू को नहीं भाते इसलिए, और वीडियो एडिट हो रही है इधर क्योंकि कल हम मूवी देखी और मैं तो कफ सिरप ली थी, मेरे को तो नींद आ गई थी, आँखें बहुत ज़्यादा काली लग रही होगी, मसल दिए ना अभी इसलिए थक गई थी, तो और अभी मैं खाना खा रही हूँ, ये सब्जी इधर रोटी और चिकू का खाना खा लेते हैं, मेरा मुंह आप देख सकते हो काजल कितनी ज़्यादा फैल गई है, अब चलिए कर लेते हैं हमारे मिशेल वाले फेस वॉश से फेस वॉश, और मेरा जो भी नाइट रूटीन है उसको भी फॉलो करते हैं, फेस वॉश इज़ डन, अब मैं मेरे फेस को अच्छे से, जो ये मेरा टॉवल है पिंक कलर का, इसको अच्छे से टैप टैप करके ड्राई कर दूंगी और थोड़ा सा ऐसे ही ड्राई होने दूंगी, एयर ड्राई, तब तक कर लेती हूँ चेंज, और ब्रश कर लिया है पर
मूड है हल्दी का दूध बना के पी लूँ ताकि उससे खांसी में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। डिसाइड हुआ है मेरे लिए, मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। आलस बहुत आ रहा था, थक भी बहुत गई थी, पर मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह सुबह है मेरा मेकअप और दूध। शुगर, सारा मसाला, हल्दी वाला दूध बन रहा है। मैंने कम कर दिया है गैस और अब इसके अंदर 2-3 मिनट के बाद आऊँगी मैं अदरक डालने के लिए इसको ख़त्म करने के लिए। हमने वॉरियर बना लिया है अपने लिए, हमारे लिए। हल्दी की फांकी तो ले लूँ, पर हल्दी की फांकी में क्या होता है, अरे यार नाक में न्यू सब चढ़ जाता है मेरे को फटाक से, बाकी बहुत अच्छा रहता है। तब तक मैं मेरी लगा लेती हूँ नाइट क्रीम, बेस्ट चीज़ अभी। हालाँकि मेरे फेस पर पिंपल्स भी इसीलिए हो रहे थे क्योंकि बहुत ठंड होने की वजह से मैं फेस वॉश नहीं कर पा रही थी, तो नाइट थेरेपी भी नहीं लग पा रही थी, गलती मेरी थी। इसने मुझे बहुत याद किया, पर मैंने इसको पिंपल्स आने के बाद ही याद किया, आप पहले याद कर लो। मुझे मेरे फेस के लिए मसाजर चाहिए, पर मैं कोई अच्छा ढूँढ रही हूँ। चिकू भी मेरे लिए सर्च कर रहे हैं, पर तब तक मेरे हाथों से ही मैं मसाज कर लेती हूँ। नाइट क्रीम तो अपनी लग गई है, जब तक वो दूध है वो बॉईल होता है, थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं। टाइम पास क्या करें, फ़ोन तो बाहर पड़ा है, पर्स भी बाहर ही रख दिया, लेके आती हूँ। चेयर पे कभी रखती नहीं हूँ, चेयर पे रख दिए। नहीं फिक्स, आज से 1 महीने के बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। कोई प्लान्स तो नहीं है, हम कोई प्लान करते भी नहीं है, क्योंकि जब भी प्लान किया है आपने देखा ही है मेरा बर्थडे और चिकू का बर्थडे हमेशा फ्लॉप हो जाता है। तो अनप्लानिंग ही सब, प्लानिंग सही चीज़ नहीं है बर्थडे और स्पेशल डेज के लिए। और ये मेरा फ़ोन जो कि मैंने अभी चेंज कर दिया है, चिकू ने न्यू फ़ोन ले लिया है, तो चिकू वाला मैंने ले लिया है। तो जो चिकू का देख लो आप, फ़ोन के पीछे कितना गजब का लिखा हुआ है, मनी कम्स मनी गोज। मेरे पास तो कम्स ही होनी चाहिए, गोज होती है वो मज़ा ही नहीं आता मैं खर्चे करने में बहुत खाटकी हूँ, हालांकि औरतें होती हैं। मैं मेरा हल्दी वाला दूध बहुत ही ज़्यादा बचते बचाते हुए लेके आई हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा लेके गई थी, कहीं शूट कर ही देती हूँ वैसे, पर वहाँ जाकर कुछ शूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अदरक नहीं डाला, डायरेक्ट हल्दी और मसाला ही डाला और शक्कर। तो ये मेरी हल्दी का दूध, सेम मेरे पजामे से मैचिंग है कलर मेरी खांसी को मिटा देना ठीक है ना, बाकी मैं तुझे दूध की तरह पी भी नहीं सकती। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, खांसी हो गई है इसलिए मुझे तो भी आपके लिए व्लॉग कर रही हूँ, शेयर कर देना और लाइक तो कर ही देना, व्लॉग्स अच्छे अच्छे बना रही हूँ ना, लाइक किया करो, उससे मुझे लगता है कि आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। लाइक नहीं करते हो तो फिर चिकू और मेरे दोनों का रोज़ झगड़ा होता है, तो व्लॉग अच्छे नहीं बना रही इसलिए लोग लाइक नहीं करते। और मैं आपकी वजह से बहुत सुन रही हूँ, कृपया करके मुझे ना सुनने दे और मुझे बचा ले और लाइक करे व्लॉग को। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, ओके बाय। अच्छे से व्लॉग में बोला अच्छा ही बनाऊंगी, लाइक कर देना, लाइक 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 लाइक, बाय। चलो अभी मॉल में प्रॉब्लम ये कि आप फिर बैठ के खा नहीं सकते।